बार इसका सोक करिए देखिए भाई की, देखिए आप इसके देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्योर वाइट है यार ये। और इसके दोस्तों आप एक बार आ, शिट, ओ नो, अरे यार। तो दोस्तों आप देखिए यार ये किस तरीके से अकड़ गया, और तो यार ये हमारी मुर्गी मर चुकी है। तो नमस्ते यार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का सीन कुछ भाई ऐसा है कि हम जो नए कबूतर लेके आए थे ये दोस्तों घर के पक्के हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने दाना पानी नहीं डाला था और ये ज्यादा भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक छेद ये रहा और भाई दूसरा छेद ये रहा, दोनों छेद है। और दोस्तों देखिए ये हमारी भाई ये पहली मुर्गी और दूसरी मुर्गी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार मैंने कबूतर नहीं लेके आया और मुर्गियों को इस तरीके से बंद क्यों कर देता। दोस्तों इसका एक सीन ये भाई उल्टा एक सीन हो चुका है कि देखिए मैं भाई जैसे कबूतर लेके आया मैंने कबूतर को यहाँ पे अंदर खाने मतलब यहाँ पे छोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी मुर्गियाँ थी भाई उन्होंने क्या करा, मतलब हमारी दोनों मुर्गियाँ भाई जो गई थी बाहर दाना पानी खाने के लिए, क्योंकि जो हमारे कड़कनाथ के चूजे थे वो सारा दाना पानी खा के उन्होंने खत्म कर दिया था। तो उसके बाद दोस्तों जैसे हमारी भाई व्हाइट वाली मुर्गी इस वाले छेद से अंदर यहाँ पे आई और कबूतर हमारे यहाँ इस तरफ नीचे थे, तो दोस्तों इतनी जोरों से चिल्लाने लगी, इतनी जोरों से चिल्लाने लगी कि यार मतलब जैसे कोई बिल्ली वगैरह देख लेते हैं, कुत्ते कुछ इस तरीके से चिल्लाने लगी। तो दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और जैसे ही दोस्तों मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो ये मुर्गी क्या दोस्तों हिम्मत बढ़ गई और ये नीचे उतर के दोस्तों कबूतर को मारने के लिए ऊपर कूदी। दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताता, लेकिन दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से यार कबूतर को मार रही थी, मतलब बस ये एक तरीके से समझ लीजिए इसने ऐसा हमला करा कि यार कबूतर को मार ही डालती है। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने फिर भाई मैं जैसे एक फटाक से मैंने एक कबूतर को पकड़ा, दोस्तों शायद मादी होगी, मैंने मादी को जल्दी से पकड़ा और पकड़ने के साथ ही दोस्तों मैंने उसको इस तरीके मतलब बंद कर दिया। और दोस्तों मैंने जैसे बंद करा भाई ये जो एक मुर्गी भाई इसके पीछे पड़ गई थी जो हमारा नर है ना, तो दोस्तों अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं ये देखिए दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं मुझसे। तो दोस्तों अभी मैंने क्या सोचा है भाई, इनके लिए रहने के लिए आप कुछ बंदोबस्त तो करना होगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पत्रे हैं दोस्तों इन पत्रों को थोड़ा इधर साइड में कर देते हो, जिससे क्या होगा जी हमारी भाई अगर मुर्गियाँ इनको मारने के लिए आएगी तो इधर छेद में जाके छुप जाएंगे और ये आराम से भाई ठीक तरीके से जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में ठीक तरीके से सोक नहीं करा पाया था, दोस्तों इस वीडियो में ठीक तरीके से सोक कराता हूँ और दिखाता हूँ आपको भाई कि मैं कबूतर जो लेके आया हूँ महंगे तो नहीं। दोस्तों अगर महंगे लगे आपको तो कमेंट में जरूर बताना, और आपके इधर कबूतर ये किस रेट में मिलते दोस्तों वो भी आपको जरूर से कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए दोस्तों ये जो आगे वाला है ये मुझे नर लग रहा है और पीछे वाली दोस्तों मादी। अभी देखिए मैंने भाई कबूतर को हाथ में टोक लिया है और देखिए दोस्तों यार कितना मस्त है। दोस्तों आप एक बार इसका सोक करिए देखिए भाई की, देखिए आप इसके देखिए दोस्तों बिल्कुल प्योर वाइट है यार ये। और इसके दोस्तों आप एक बार आंखें देखिए दोस्तों इसकी यार आंखें कितनी मस्त है। दोस्तों मैं पहली बार कबूतर लेके आया हूँ, दोस्तों मैंने देखा कि यार इसके पैर पे बाल है, मतलब दोस्तों ये क्या पैर पोच है आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अभी ये क्या पट्ठा है और दोस्तों ये इनका भी जोड़ा क्या पता लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा भाई नर, और ये देखिए ये भाई भागने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो इसे हम ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी मादी है ना दोस्तों, मादी को दिखाते हैं। तो दोस्तों यार नर और मादी बिल्कुल एक जैसे। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो हमारे इस तरफ का भाई पत्रा रखा हुआ है इस पत्रे को यार हटाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। और दोस्तों बेकार वाली बात नहीं, देखिए अभी जो इसकी साइड में थोड़ी सी हम जगह कर देंगे जिससे भाई जो हमारे कबूतर है ये इसके अंदर भाई चले जाएंगे और उसके बाद अच्छी तरीके से अंडे बच्चे मतलब वहाँ पे दे भी सकते हो ना, आराम से अपना घोंसला बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे हम मुझे पेटी वगैरह कुछ मिलेगी तो दोस्तों सबसे पहले लेके आऊंगा और भाई हमारे कबूतर के लिए घर बनाएंगे, उससे पेटी अच्छी से पेटी से अच्छा अच्छा घर बनाएंगे। दोस्तों अभी क्या करते हैं भाई इसको इस तरफ खसकाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अंदर ही जाते भी हैं कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने क्या करा भाई, पत्रे को हटा दिया और पत्रे को हटाने के बाद दोस्तों अभी कबूतर को उस छेद के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि अंदर जाते भी है कि नहीं। पिरी 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 पिरी, ओ शिट, ओ नो, अरे यार, अरे यार दोस्तों। दोस्तों यार मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी ब्लैक वाली मुर्गी, दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये जो मुर्गी है भाई ये चोरी हो चुकी है या फिर ये इससे कुत्ते वगैरह ने पकड़ा, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पत्रे के नीचे छुपी हुई है। और दोस्तों यार मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि इधर अंदर आई कैसे, क्योंकि आप ये तो बीमार बीमार लग रही थी, लेकिन दोस्तों यार ये यहाँ पर यार मरी हुई पड़ी यार, दोस्तों पूरा मूड ऑफ हो गया यार। तो दोस्तों आप देखिए यार ये किस तरीके से अकड़ गया है, और दोस्तों मुझे लगता है ये कल सुबह की मर गई होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी इसे किस तरीके से चींटियों वगैरह मतलब इसे खाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आप एक बार इसका कलर चेक करिए यार, कितनी मस्त हमारी मुर्गी थी, पूरा मूड ऑफ हो गया यार दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अब जो हो गया वो सो हो गया। तो दोस्तों आप देखिए वहाँ पे हमारे भाई कबूतर किस तरीके से कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है दोस्तों नहाने का विचार कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमारी मुर्गी को भाई गाड़ते हैं और फिर इसको अलविदा कर देते हैं। दोस्तों जो जहाँ पर हमने हमारी व्हाइट वाली मुर्गी गाड़ी थी दोस्तों, उसी जगह पर हमारी इस वाली मुर्गी को भी थोड़ा आगे पीछे करके गाड़ देते हैं दोस्तों।
यार दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि यार हमारी मुर्गी यार एक्सपायर हो जाएगी। तो यार ये हमारी मुर्गी मर चुकी है, अलविदा। तो दोस्तों यार अभी मैंने क्या करा है भाई, हमारी जो मुर्गी थी यार दोस्तों उसको गाड़ दिया है। अब दो उसके ऊपर दोस्तों एक मैंने बड़ा सा पत्थर रख दिया, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। और हमारे भाई कबूतर यहाँ पे मस्त घूम रहे हैं दोस्तों यार, वो मतलब उससे मरने का यार दोस्तों कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उसे कहाँ पे गाड़। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो हमारी एक क्या बोलते हैं मुर्गी मरी थी उसको हमने दोस्तों यहाँ पर गाड़ा था, ये जो पत्थर रखा हुआ है ना यहाँ पे गड्ढा गड्ढा जैसा, और अभी मैंने उसको गाड़ के यार उसके ऊपर पत्थर रख दिया है। अब दोस्तों पत्थर इसलिए रखा है कि ताकि भाई हमारे इधर दोस्तों कुत्ते ज़्यादा आते हैं, तो वो कुत्ते इस मुर्गी को निकाल के ले जाए। दोस्तों मैं चाहता था कि भाई इनको कुत्तों को खिलाने के लिए फेंक दो, क्योंकि यूँ भी दोस्तों वो मर तो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक दिन कुत्तों खिलाऊंगा दोस्तों, कुत्तों को क्या है चिकन खाने की अगर आदत हो जाएगी तो वो हमारे भाई जितनी मुर्गियां बाहर घूमती है एक एक करके सबको पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यार अब क्या ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको आज की वीडियो यार क्या ही अच्छी लगी। लेकिन दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।